गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि कोई खबर रह ना जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम की एक सोसाइटी में करोड़ों के फ्लैट खरीदने के बावजूद लोग रात के समय उस सोसाइटी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि वो रात के समय अपनी सोसाइटी में गए तो उनके साथ स्नैचिंग से लेकर उनके साथ एक्सीडेंट जैसे भयानक हादसे सामने आ सकते हैं। उन्होंने बिल्डर को बताया है घपलेबाज और बिल्डर पर आरोप लगाया है फ्रॉड बिल्डर का। आखिर कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहां लोग रात के समय जाने से डरते हैं और कौन सा वो बिल्डर है जिसे फ्रॉड बिल्डर का नाम दिया गया है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। यदि आप भी साइबर सिटी गुरुग्राम में अपना एक आशियाना खरीदने का सपना देख रहे हैं और वो भी करोड़ों रुपए के फ्लैट का, तो सबसे पहले छानबीन अवश्य कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन सोसाइटी वासियों की तरह आप भी बिल्डर के फ्रॉड के झांसे में आकर अपना पैसा गवा बैठे और रात के समय अपनी ही सोसाइटी में ना जा पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के M3M मैरीना बिल्डर्स की, जिनका प्रोजेक्ट है M3M मैरीना, जिन्होंने सोना रोड पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और सोसाइटी वासियों को भरोसा दिलाया था कि उनकी कनेक्टिविटी सीधी सोना रोड, जो कि दिल्ली से अलवर यानी कि अब तो मुंबई और बड़ौदा के लिए भी यहां से एक्सप्रेसवे निकलने वाला है, उसे कनेक्ट करेगी और उनकी एक पोस्ट सोसाइटी होगी। लोगों ने मैप में रास्ता देखकर करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीद लिए थे, लेकिन एक साल से ज़्यादा हो चुका है, ना तो वो रोड है ना वो मैप है। लोगों का आरोप है यहाँ सोसाइटी में रहने वाले कि बिल्डर ने फ्रॉड करके उन्हें मैप में रास्ता दिखाया था, जबकि उन्हें लगता है कि ये इस तरह का कोई रास्ता बिल्डर ने परचेज भी नहीं किया है। यदि बिल्डर ने परचेज नहीं किया है और मान लीजिए उन्हें सरकार ने देना था, तो सरकार भी इस तरह का रास्ता अभी तक नहीं बना पाई है और इसी की वजह से आज उन्हें रात के समय टीकली रोड से, जो कि एक बहुत ही छोटा सा रोड है जहां दिन के समय पूरा जाम लगा होता है और रात के समय घुप अंधेरा होता है, उस अंधेरे में कई वारदातें हो चुकी हैं, चैन स्नैचिंग तक की वारदातें हो चुकी हैं, यहां तक कि एक्सीडेंट में इस सोसाइटी के लोगों की जान तक जा चुकी है। यही वजह है कि सोसाइटी के लोग अपनी ही सोसाइटी में जाने के लिए रात के समय डरते हैं और रात को किसी दूसरी सोसाइटी में या शहर के बाहर होटल लेकर रहना पसंद करते हैं। मैं अकील अहमद, मैं यहाँ पे N1 1102 में रहता हूँ। अकील जी, कितनी जब आपने फ्लैट लिया था, क्या क्या सब जवाब दिखाए गए थे और अब क्या सबसे परेशानी आ रही है? जब लिया था तो सबसे पहला और जो मेन प्रॉब्लम है वो है रोड का। हमको बोला गया था कि विद इन 3 मंथ्स ये रोड आपका चालू हो जाएगा जो सोना रोड में मिलता है, और इसके लिए एक्विजिशन की फॉर्मेलिटीज़, इसके लिए पेपर की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीटेड हैं, सिर्फ रोड ब्लैक टॉप बननी है। लेकिन आज तक हम लोग एक साल से ज़्यादा हो गया चेस करते हुए कंटिन्यूस, कितनी मेलें डाल दी, कितने मैसेजेस डाल दिए, ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन कोई कंक्रीट आंसर नहीं है, कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि रोड बनेगी भी कि नहीं बनेगी, किधर से जाएगी। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमको अल्टरनेट रूट पर डाइवर्ट कर देते हैं कि आपको ये वाली रोड पे हम कर देते हैं, पीछे वाली रोड पे लाइटें लगवा देते हैं, गड्ढे भरवा देते हैं, बट ये जो मेन रोड जिस पर जिसको मेन अट्रैक्शन दिखा के बेचा प्रोजेक्ट को, कितने मीटर ये था प्रोजेक्ट में इस समय ये जो रोड था? 24 से 30 मीटर, नॉट एग्जैक्टली, हाँ 100 फीट का रोड बोला गया कि 24 से 30 मीटर का रोड होगा जो आपको डायरेक्ट सोना रोड पर कनेक्ट करेगा, और ये हमारा मेन एंट्रेंस होगा, बट ये मेन एंट्रेंस आज तक नहीं खुला है और पीछे बैकड्रॉप एंट्री से हम लोग आते जाते हैं। वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स हैं जब आते हैं उधर, कैसा वहाँ का रोड कैसे हैं और कैसा एटमॉस्फेयर है? अभी तक तो लाइट नहीं थी, पिछले 10-15 दिन से अब लाइटें जल गई हैं, वरना ये रोड बादशाहपुर से लेके यहाँ तक बिल्कुल डार्क होता है। जो दूसरा रोड है मंदिर के साइड वाला वो भी बिल्कुल डार्क रहता है, और कई बार तो इंसिडेंट भी हो चुके हैं वहाँ पर स्नैचिंग के, बाकी और जो दूसरे तरीके के हैं। जो एक एक्सीडेंट भी हुआ हमारे सोसाइटी का ही बंदा, ही लॉस्ट हिज लाइफ रोड एक्सीडेंट में बिकॉज ऑफ डार्कनेस एंड रोड बैड रोड कंडीशंस, बट ये सारे पॉइंट्स उठाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। मोर देन 600 फैमिलीज आर रिजाइडिंग हियर। मेरा नाम सतीश है, मैं सियरा 3 में रहता हूँ और मैं यहाँ पे एक साल पहले यहाँ पे फ्लैट लिया था, और जब मैंने यहाँ पे फ्लैट बाय किया था तो मैंने इनसे सारे कंडीशंस पूछे थे, तो इन्होंने बताया कि नहीं नहीं हमारा रोड का आपको, मैंने पूछा कि ये बैक में एक रोड है
तो रोड कहाँ से होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका रोड ये फ्रंट साइड से होगा और सोना रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब कुछ हो चुकी है, जस्ट ये बनना बाकी है और ड्यू टू कुछ सिचुएशन है इसलिए अभी नहीं बनाया शुरू में कि रोड बाद में ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको बाद में बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो कब तक बन जाएगा? तो इन्होंने मुझे उस समय बोला था कि ये फरवरी 2021 तक या मार्च 2021 तक लेटेस्ट बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन मार्च 2021 का क्या बताएं, मैं तो मार्च 2022 आ गया, कंडीशन ज्यों की त्यों पड़ी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इंटरनली जब सब कुछ मेल ट्रेल या कुछ हुआ तो पता चला कि अभी तो इसमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इंटरनल इनकी प्रॉब्लम, और अब वो लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे कि नहीं नहीं अब तो रोड बनाना है, तो जब सरकार को जो बनाना होगा तब बना देगा, मैं तो कुछ इसमें नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई देखो, तुमने मेन एंट्रेंस दिखाया था, तुमने रोड दिखाया था, इवन ब्राउज़र में भी दिखाया था, अब अगर ये रोड नहीं था तो आप ये बताओ कि ये मेन एंट्रेंस बनाया क्यों? अगर ये एंट्रेंस नहीं, तुम्हारा बैक एंट्रेंस था, तो यहाँ पे गेट क्यों बना? तो दैट मीन्स कि तुम्हारे दिमाग में तो ये शुरू से ही था कि यही गेट दिखाना है। अगर ये रोड नहीं दिखाते तो हम शायद यहाँ फ्लैट ही नहीं लेते, चाहे जिस रेट पे भी लिया था उससे आधी रेट पे देते तो शायद सोचते अदरवाइज हम लेते ही नहीं। तो एक तो इन्होंने ये चीज़ें फॉल्स करके इन्होंने भेज दी और ये रोड की नहीं है। मेरा नाम वर्णना चक्रवर्ती है, मैं यहाँ पे टावर 5 2801 में रहती हूँ। क्या क्या परेशानियाँ आज सबसे बड़ी आप लोग झेल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आप इस तरह से परेशान हैं? सर देखिए, काफ़ी सारे समस्याएं हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी हमारी समस्या है रोड की समस्या। ये हमारा मेन एंट्रेंस है जो आज तक फंक्शनल नहीं हुआ है। यहाँ से हमको जब हम घर खरीद रहे थे बोला गया था 30 मीटर का रोड जाएगा सोना रोड तक, पर आप देख सकते हैं यहाँ पूरा बंजर बंजर है, कोई रोड का नामोनिशान नहीं है। इसमें हम काफ़ी फाइट कर रहे हैं M3M के साथ, हम लोकल विधायक के पास भी गए थे राकेश दौलताबाद जी के पास, हम DTP के पास भी गए थे RS बाट के पास, तो हम सबके पास जा रहे हैं जाते हैं, फिर हमको M3M ने भी रिसेंटली M3M के पास भी हम लोग गए थे, उनके साथ मीटिंग भी एक हुई थी, बस वो एक ही मीटिंग हुई थी सीनियर मैनेजमेंट के साथ। तो उन्होंने हमको बाद में जब मेल लिखा, काफ़ी सारे मेल लिखे हैं पूरे सोसाइटी के ही लोगों ने, उन्होंने बोला है कि हमको डायरेक्टली जाना पड़ेगा मिस्टर संजय के पास जो यहाँ के DTP हैं। तो हम तो आम आदमी हैं, आम नागरिक, तो हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये हमारा रोड का समस्या सबसे बड़ा है आज, जो हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं सोसाइटी वासियों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं M3M बिल्डर पर। इन्होंने गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि 4 बेसिक एमिनिटीज जो लोगों को रहने के लिए चाहिए होती हैं, वो सबसे पहली होती है रास्ता। रास्ता अभी तक बना ही नहीं है, इन्हें बैक रोड से निकाला जा रहा है। दूसरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शायद इन्हें नहीं मिला है या बना नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग सीवर का पानी कुछ समय पहले तक खुले में छोड़ा करते थे, लेकिन गुरुग्राम न्यूज़ द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद अब इन्होंने खुले में तो छोड़ना बंद कर दिया है, लेकिन उस सीवर को टैंकरों के द्वारा बाहर भेजना शुरू कर दिया है और उन टैंकरों का चार्ज भी सोसाइटी वासियों पर डाल दिया है। तीसरी बेसिक एमिनिटीज है यहाँ पीने का पानी। पीने का पानी अभी तक नहीं है। बिल्डर कहते हैं कि पीने के पानी के लिए लाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला है। पानी मोल का मंगाया जाता है, मोल का पानी इन्हें दिया जाता है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है और उसका हर्जाना भी भुगतते हैं यहाँ के सोसाइटी वासी। और चौथी जो सबसे बड़ी बेसिक एमिनिटीज है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक इन लोगों को सिर्फ 11 kV फीडर पर ही जिंदा रहना पड़ रहा है और उसकी वजह से लोड शेडिंग, ट्रिप शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादातर समय इनको DG सेट पर निर्भर रहना पड़ता है और DG सेट पर निर्भर रहने के लिए इनको जो बिजली का बिल पे करना पड़ता है वो DG सेट का 28 से 29 रुपये प्रति यूनिट होता है। कुल मिलाकर इनके घर का बजट इस समय हिला हुआ है, इस समय इन्हें कोई सुविधाएं नहीं है। आखिर ये बिल्डर को कब तक रोना रोएं? इनका कहना है कि बिल्डर से हमने कई बार मेल किए हैं, उनसे मुलाकात की है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे पास 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी मिसिंग, परमानेंट रोड मिसिंग, परमानेंट वाटर कनेक्शन अब शायद अभी आया है लेकिन वो भी फंक्शनल नहीं है, और चौथा है सीवेज की प्रॉब्लम। सीवेज में भी अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं, अभी तक सीवेज सब यहाँ डिस्चार्ज हो रहा था, जब ज़्यादा प्रेशर बना है तो अब ये टैंकर से भिजवाना शुरू किया इन्होंने, वरना एवरी डे आप शाम को आएंगे फाउल स्मेल आपको पूरी सोसाइटी में मिलेगी बिकॉज ऑफ सीवेज बैड वाटर। यानी आपने कितने इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आप आज
मिनिमम यहाँ पे जो प्राइस है फ्लैट का वो 1 करोड़ के आसपास का है। 1 करोड़ देने के बाद भी ये हम ये 4 जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उससे हम महरूम हैं अभी तक। परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है थ्रू 33 KV, तो यहाँ पे सब स्टेशन बनने की बात है, उसका भी हमको बताया गया है बनेगा, लेकिन कुछ आगे पता नहीं है क्या होगा। हाँ, अभी हमको देखिए 11 KV फीडर से दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जिसमें काफ़ी सारा लोड शेडिंग होता है। हमारा DG चार्जेस भी बहुत ही हाई है, 26 से 28 रुपये, 29 रुपये भी कभी कभी जाता है, और पिछले महीने तो बहुत ज़्यादा लाइट गई थी। दूसरा, वाटर कनेक्शन यहाँ पे नहीं आया। वाटर कनेक्शन नहीं आने से इन्होंने टैंकर से पानी भिजवाना शुरू किया और टैंकर का सारा कॉस्ट हम पे डाल दिया। अब ये जो वाटर का इतना ह्यूज कॉस्ट हम पे आ गया कि क्या बताएं। तो एक वाटर से हमें ये प्रॉब्लम हो गई, और अब टैंकर से पहुंच के कभी किसी सिचुएशन नहीं आएगा तो हमें बिना वाटर का रहना पड़ेगा। और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटीज़ में इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अभी पहले तो टेम्प्रोरी कनेक्शन था, फिर उन्होंने 11 KV पे डाला, उससे फ्लक्चुएशन होता है। अब वो DG काफ़ी चलता है, DG ज़्यादा चलने की वजह से हमें 28 रुपया DG का रेट देना पड़ता है, तो हम वहाँ पर भी मर रहे हैं। तो अब हम हर सिचुएशन में मर रहे हैं, एक रोड नहीं होने की वजह से हमारा, उसके वजह से मर रहे हैं, दूसरा वाटर का टैंकर की वजह से टैंकर का रेट देना पड़ रहा है, अब वो भी पानी सही नहीं आता, गंदा पानी आता है, उसमें TDS बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा इवन कितनों का तो यहाँ पे आपका अपना जो वाटर फिल्टर है, प्यूरीफायर है, वो हमेशा ख़राब हो रहा है। और कुल मिला के अभी तक बिल्डर से कोई इसमें वो नहीं है, कुछ नहीं हो पाया। हम बार बार कर रहे हैं कि भाई हमारा, अच्छा आपको ये जो शेड लगे हुए हैं सारे जो मेन रोड के आसपास, हाँ, देखकर लगता है कि इनके पास कोई जमीन भी है रोड की? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता, तभी तो इन्होंने शेड लगा रखे हैं और इन्होंने ब्रेक कर रखा है कि यहाँ से कोई जाए आए नहीं। इसका मतलब कि इनको कहीं परमिशन ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, जमीन ही नहीं है इनकी, बिल्कुल नक्शे में दिखा दिया और झूठ मूठ का ये मेन गेट बना दिया और उसके हिसाब से रेट जबरदस्ती अपनी मनमर्जी रेट वसूल कर लिए। तो इन्होंने ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाया और ऐसे बेवकूफ़ बना करके इन्होंने सारे पैसे हटे। ये हम M3M की बात कर रहे हैं, M3M मरीना सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और ये ऐसे इन्होंने ऐसे लूटा है। इस बारे में हमने भी M3M मरीना के मेंटेनेंस स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सामने नहीं आया। बिल्डर के यहाँ भी प्रयास किया गया, उनकी PR एजेंसी से भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी इस मामले को बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये जरूर बताया गया है कि जिस रास्ते का आरोप सोसाइटी वासी लगा रहे हैं, वो रास्ता हमें गवर्नमेंट ने एक्वायर करके देना है, तो इसके लिए बिल्डर जिम्मेवार नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यदि एक्वायर करके देना था तो ये रास्ता मैप में क्यों दिखाया गया था? अभी तक तो किसानों से ज़मीन भी एक्वायर नहीं की गई है। रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।